नमस्कार, मैं हूँ राखी बैनर्जी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको मूल्यांकन पांच वालों के बारे में खास जानकारी देंगे। किसी भी महीने के 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे पुरुष और स्त्री मूल्यांकन पांच के माने जाते हैं। इनका स्वामी ग्रह बुध होता है, तो चलिए इनके नेचर, करियर, हेल्थ और फ्यूचर के बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके स्वभाव और पर्सनैलिटी के बारे में। बुध ग्रह के प्रभाव की वजह से मूल्यांकन पांच वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनकी रुचि पढ़ने लिखने में लाइफ के अंत तक रहती है। इन्हें बोलना पसंद है क्योंकि बुध वाणी भी है। ऐसे लोग आकर्षक पर्सनालिटी वाले और बोलने में माहिर होते हैं। हर काम को बहुत जल्दी से करते हैं। इन लोगों को अव्यवस्थित चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। हर काम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। ये लोग नॉलेज को लेकर बहुत एक्टिव होते हैं। चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनको घूमना फिरना और दूसरों को एंटरटेन करना बहुत पसंद है। ये इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशन में आके किसी का फायदा नहीं कराते। ये बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और दूर की सोचते हैं। ये बहुत ही एनर्जेटिक और जल्दी काम निपटाना पसंद करते हैं। इनका मन बहुत चंचल होता है और इन्हें हमेशा लाइफ में बदलाव चाहिए। आइए अब बात करते हैं इनके सेहत और रिश्तों की। मूल्यांकन पांच वाले अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से कभी कभी इनकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। ये लोग कई बार चीज़ों को भूलने लगते हैं। इसके अलावा इनको कम नींद, कमज़ोर पाचन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एलर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी समस्याएँ भी सताती हैं। बात रिश्तों की करें तो मूल्यांकन पांच वाले सभी के साथ अच्छे रिश्ते निभाते हैं। अपने हरफन मौला स्वभाव और मीठी बोली की वजह से सभी इनको बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। शादी का डिसीजन जल्दी लेने वाले होते हैं और अगर बात लव मैरिज की हो तो ये समाज की रीति रिवाजों को नहीं मानते। बुध के प्रभाव के कारण दो विवाह के योग भी दिखाता है। आइए अब जानते हैं इनकी कमियों के बारे में। ये मानसिक शक्ति का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं कि कभी कभी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है और आसानी से दूसरों की बातों को हजम नहीं कर पाते। ये मनी माइंडेड भी होते हैं। ये डिसीजन अक्सर जल्दीबाजी में लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। आइए अब बात करें करियर की। मूल्यांकन पांच वालों के करियर की बात करें तो ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं। अच्छे वक्ता और मजबूत दिमाग की वजह से इनकी सोच हमेशा बिजनेसमैन की तरह काम करती है। रिस्क लेना इन्हें पसंद होता है। इनका ध्यान हमेशा किसी न किसी प्लानिंग में लगा रहता है, जिस वजह से निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। बुध के प्रभाव के कारण पैसों की कमी कभी नहीं आती। ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये लोग लाइफ में बहुत सक्सेस पाते हैं, लेकिन अगर इनमें ओवर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा तो इनकी लाइफ में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। इनको मैथ, साइंस, साइकोलॉजी और बिजनेस स्टडीज में खासा लगाव रहता है, जिस वजह से ये लोग टीचर, पत्रकार, मैनेजर, वकील, अकाउंटेंट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, आर्टिस्ट, राइटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, कंपोजर के फील्ड में लगातार तरक्की की ओर बढ़ते हैं। पांच मूल्यांकन में जन्मे कुछ फेमस पर्सनालिटीज जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड बुद्धा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, विलियम शेक्सपियर, आमिर खान और दीपिका पादुकोण हैं। आइए अब बात करते हैं इनके सफलता के सूत्रों के टिप्स की। सबसे पहले मूल्यांकन पांच वालों को हर काम शांत मन से करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरथिंकिंग इनकी सेहत और काम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने हर काम में सफलता पाने के लिए इनको बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए और किरनरों को हरी साड़ी देनी चाहिए। पांच नंबर वालों को सोच समझ कर लिमिट में बोलना चाहिए। इनको अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस रखना चाहिए। नॉर्थ में ग्रीन प्लांट्स लगाएं अपने हाथों से और उसमें डेली पानी डालें। इससे आपके लाइफ में अच्छा ग्रोथ मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगा। लकी नंबर, हर नंबर लकी होता है इनके लिए। अनलकी नंबर, कोई भी डेट इनके लिए अनलकी नहीं है।
इनका डायरेक्शन नॉर्थ है, लकी डे बुधवार है, लकी कलर ग्रीन, सारे रंगों के हल्के शेड्स और सफ़ेद रंग, लकी स्टोन ग्रीन एमरल्ड डायमंड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 6 की। वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़ने के लिए FB पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।